नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनीषा भरानी है और इजी स्नैक्स रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। जब भी हम कोई भी स्नैक्स के साथ डिप सर्व करते हैं तो वो डिप स्नैक्स का स्वाद और भी बढ़ा देता है। आज मैं आपको थाई डिप सिखाने वाली हूँ। थाई डिप बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस तैयार होता है। आप इसको कोई भी स्टार्टर के साथ सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए थाई डिप बनाना शुरू करते हैं। थाई डिप बनाने के लिए मैंने एक बोल ले लिया है। मैंने ये मैगी का जो कोकोनट पाउडर का पैकेट मिलता है वो लिया है। ये आपको कोई भी किराना स्टोर में नहीं तो सुपरमार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। थाई रेसिपीज में यही कोकोनट पाउडर का उपयोग होता है। ये पाउच जो 25 ग्राम का पैकेट आता है वो है, मैं वो पूरा पाउच बोल के अंदर डाल देती हूँ। 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर, मैंने 1 कप पानी लिया है, उसमें से मैं पहले थोड़ा पानी डालती हूँ, बाकी का पानी मैं बाद में डालूंगी। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। मिश्रण में कोई भी लम्स ना रहे इस बात का हम ध्यान रखेंगे। सारी सामग्री अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब मैं बाकी का जो पानी है वो डाल देती हूँ। हमारा थाई डिप के लिए जो घोल बनाना है वो तैयार हो चुका है। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैं 1 टीस्पून ऑयल डाल देती हूँ और मैं इसे गर्म करने के लिए रख देती हूँ। हमें तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। इसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए मूंगफली के टुकड़े हैं उसे मैं डाल देती हूँ। मैंने मूंगफली को बहुत ही बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। मूंगफली का इस डिप के अंदर बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। मूंगफली में हल्का सा गुलाबी रंग आ चुका है। अब हमने जो घोल तैयार किया था वो मैं इसमें डाल देती हूँ। अब मैं इसमें मसाले कर लेती हूँ। 1 टेबलस्पून शक्कर, नमक स्वाद के अनुसार, 1/2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिला के कुक कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, ये डिप बहुत ही बढ़िया तैयार होता है। आप इसको इंडियन नहीं तो वेस्टर्न कोई भी स्टार्टर के साथ सर्व कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। हमें मिश्रण को थोड़ा गाढ़ा होने तक कुक करना है। हमने कॉर्नफ्लावर का उपयोग किया है तो हम इसे लगातार स्टर करते हुए उबालेंगे। आधा मिनट हो चुका है और मिश्रण अच्छे से बॉयल हो चुका है। अब मैं आँच को बंद कर देती हूँ। मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से तैयार हुआ है। आप यही स्टेज के ऊपर इसे बंद कर दीजिए, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और थोड़ा गाढ़ा होगा, इसलिए आप इसे यही स्टेज के ऊपर कुक करना बंद कर दीजिए। हमारा डिप बनके तैयार हो चुका है। अब मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये डिप ठंडा हो चुका है। अब मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी बताती हूँ। ये देखिए, ये इस प्रकार से गाढ़ा हो चुका है। आप इस डिप को बना के फ्रीज में 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं। ये फ्रीज में जाने के बाद और थोड़ा गाढ़ा होगा। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ धनिया डाल देती हूँ। ये बिल्कुल ही ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ही आप इसमें ऐड कीजिए। आप इसमें धनिया की जगह पे पार्सले डाल सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया लगती है। डिप बन के तैयार है। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। हमारा थाई डिप बन के तैयार है। दोस्तों, ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस डिप है। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। और इसी प्रकार की यूनिक रेसिपीज़ देखने के लिए इजी स्नैक्स रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।